मैक्सिमम कवरेज के साथ ये रखे फर्नीचर को वाटर प्रूफ टर्माइट हीट एंड फंगल रेजिस्टेंट एक फास्ट ड्राइंग एडेसिव जो दे दो घंटे में हैंडलिंग स्ट्रेंथ सची में जय माता दी जय भांतु समाज जय छारा समाज हूँ पेड़े का इसलिए हूँ हिंदी में नहीं बोला रहा हूँ पेड़े में बोला कट्टू आज से पंद्रह वर्ष पहले मामा जब हूँ अहमदाबाद काम करता दिया, नाट कमरे, था नाटक में जो गिल्ला उभा था उठे अहमदाबाद में हूँ रोज ही सोचता था कि यार कभी मुझे स्टेज अब जाने को मिलंगड़ा कभी तो मिलंगड़ा हूँ लोगों को कहता था क्या यार मुकू सिनेमा मानेगा फिल्म जो हंसते थे, थे क्या यार तेरा चेहरा तुम पागल है, है तेरी शक्ल मेरा बनने का बोले तो बनने का मैं बहुत मेहनत करी हूँ ना उम्मीद नहीं हुआ ना आज कट्टू पंद्रह बीस वर्ष बाद या सोलह वर्ष बाद आज थारे समझ स्टेजा तुम स्क्रीन देखेगा मेरे को साथ ही साथ मैं गर्व है क्या छारे समाजा सा पहला भी गर्व था अभी भी है भगवान कोई और बहुत चरम सिवा मुकू लेगा तब भी मुकू गर्व रंग छारे समाज आसा एक घंटे पहला हूँ गिल्ला बैठा दिया ना प्रोग्राम देख ही रहा दिया सच मेरी दिल्ला की बात कहा ना आपको बहुत बड़ा एक्टर समझा था चीफ गेस्ट बनने का नाम उठा था बहुत ईगो दिया मेरे अंदर पर जितने मैं सिंगर सुने ना था स्टेजा पर बहुत निन्ना महसूस हो रहा था कि अपने समाज में इतने सिंगर इतना टैलेंट खैर उनके बारे मु क्या कहा कि जो थ गायक गए अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल या बे सही दिशा में अपने पर फोकस करा तो इंडियन आइडल तो क्या बे सिनेमा में हिंदी सिनेमा में प्लेबैक सिंगर भी बनी सकते हैं एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं मेरे बंबई आगे मेरे लाइफ आगे अब बेहूठ बोलना बेसंगड़ा तो शायद सवेरा हो जाना ना उसके लिए मेदो भी टाइम कड़ा थारे तो भी टाइम कड़ा बराबर <laughs> ना कट्टू दो तीन तीनिया पॉइंट अब बात करना चाहता जब हूँ ना उम्मीद हुई गा थे न मकू लग गया हूँ ना ही बनी से कंगड़ा जी घराले भी मकू बहुत कोसती थी कहता तो हु यो छोटी दे यो जीत करना छोटी दे न घर हम ध्यान दे घर की हालत बहुत खराब है खस्ता हालत है तंगी बहुत है खाने के भी फांपे दे मारे सच बोला ना तो मेरे घर कुबेर नगर हम जो घर था उस घर फाटक रेलवे क्रॉसिंग चने की लारू भी रहती थी वो चने के एक एक, एक रुपए के दो दो रुपए के पड़ू के बनते थे चने के अन्ना वो पूड़ी बोलते पूड़ी पूड़ी बनते थे जी रात हम क्या करते थे पैसे नहीं रहते थे ना जी दो दो रुपए के पड़ूके बनाए ला होते थे हम ना सांझा वो खाते थे ना खाकर कम सोई जाते थे पीछे में सोचा क्या ना हूँ कलाकार तो बनंगड़ा हूँ हीरो बनंगड़ा पर सबसे पहला हूँ मेरे माओ के मेरे बापा के अना परिवार के नजरे में हीरो बनंगड़ा इसलिए कट्टू पॉइंट हूँ तुमको क्या समझाना चाहता कि हूँ सिंगर बनना उड़ा मम्मी मुको डिस्टर्ब मत कर हूँ सिंगिंग है प्रैक्टिस कर रहा हूँ एक्टर बनना उड़ा मुको डिस्टर्ब मत कर लको, हूँ रियाज करी रहा अरे तेरे माओ ने जो स्माइल दी वो देखी रही वो बच्चा उठ खेल रहा उनको भी देखना जरा वो लाइफ जीव उसके मासी तेरे सिंगिंग तेरे टैफ तांग दे। दुनिया की नजरों में बाद में हीरो बनो घर में हीरो बने जाओ कट <laughs> दूसरी पॉइंट की बात बहुत कम समय है मैं जितने भी सिंगर को उठे देखे इसके अलावा कोई नृत्य होंगड़ा एक्सपर्ट या कोई एक्टिंग होंगड़ा तो वो बिंदास बिना संकोच करे मेरा इंस्टाग्राम पर फेसबुक आप कांटेक्ट कर ही सकता है उनको कोई भी मार्गदर्शन जोंगड़ा वो निःशुल्क सेवा मार्गदर्शन देंगड़ा दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात बहुत जल्दी अभी डेट तो कड़े नक्की है हूँ बहुत जल्दी मेरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी कार्य शिविर ऑर्गेनाइज करी रहा जिसमें एक्टिंग नृत्य अना सिंगिंगा का वर्कशॉप होगा पंद्रह दिन का जिसके कोई फी नहीं हो न वो अपने महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज कर उसमें दो तीन सेलिब्रिटी अभी आंगड़िया वो कब डा? का अभी नक्की कर रहा बहुत जल्दी हूँ बताऊंगा दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या मुझो बहुत खुशी हो रही क्या सुरेश मेणिकर मम्मी इतना बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराया न बहुत कम लोग ऐसे समाजा माई हैं जो इस तरीके के एफर्ट्स लगाए रहे हैं समाज के लिए बोले तो तुम्हारे दौर कोई प्लेटफॉर्म कड़ा आज उस व्यक्ति को क्या जरूरत है अपना समय कीमती निकाली करके अपने परिवार को लेकर एक ऑडिटोरियम बुक कराई कर प्रोग्राम करने का बोले तो छोटी बात नहीं थी कितने जन इसको गालियां भी दे रहे होंगे महाराष्ट्र तो कर दिया महाराष्ट्र तो वो कर दिया इवेंट हो ही रही ना प्रोग्राम हो ही रहा ना यो देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात के जो लोग निराश होकर चल ली के, के महाराष्ट्र पासालिटी करी थी हमको सिंगिंग हम ना ही लिया नो no अच्छे सिंगर थे सब सिंगर अच्छे थे बट हूे लोग ये साउंड सिस्टम वाला इंसान गिल्ला बैठे लोग या बाहर गेटा के बाहर बैठा वॉचमैन हम सब पॉलिटिक्स का हिस्सा है मेरे साथी भी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है इसलिए निराश नहीं हो जाने का

उसके बाद अभी भी मेरा बहुत सारा हिंदी फिल्म आई रही एक आजम करी के हिंदी फिल्म आई रही जिसमें वन ऑफ द लीड रोल मैं आई हूँ एक अक्षय कुमार के साथ फिल्म आई रही मेरी उसका हूँ टाइटल रिवील नहीं करी सिक्का। एक संजय मिश्र के साथ फिल्म आई रही ऑफ द लीड रोल मैं आई तीन गुजराती फिल्म करोड़िया मैं हूँ तम को डराई कर डरा इतना सारा बोल डी करके मेरी कामयाबी उभरी उभरी के बाहर आई रही है बोलना चाहता तीन गुजराती फिल्म जिसमें दो फिल्म हूँ मेन विलन है तो ये बहुत मेरा अपकमिंग फिल्म है ना आशा करता बहुत जल्दी तम भी फिल्म देखा सिनेमा हॉल हॉलम हूँ फिर सा आभारी है सुरेश मेनेकर मामा का उसके ऑर्गेनाइजर टीम का जिन्हों ठ बुलाया ना ही सम्मान दिया जिन्हें भी पार्टिसिपेट कराया और पूरे इच्छल करेंजिया के तरफा जो अखे अट्ठा समय अपना कीमती फाड़वीघन अट्ठा ऑडे है जो पूरा प्रोग्राम देख ही रहे हैं उनको भी हूँ दिला शुक्रिया अदा कर रहा साथ ही साथ ही संजू घमंडे कुणाल घमंडे जो मुकू से उठाई करके अट्ठा लेके आए बराबर ना उन्होंने भी अपना कीमती समय दिया उसके लिए थैंक यू सो मच संदीप गागडे थैंक यू सो मच एक लास्ट एक बहुत अट्ठा देख के गिला बैठा था बहुत दिल जले बैठे हैं सब ना प्यार मोहब्बत ईश जो उम्र उमंगो भरी उम्र है एक कविता यादायरी अगर भूल जाए तो उसको तो हम अपने लिए कंटिन्यू करी दू उसके बाद वो एंड करना मेरे स्पीच का <coughs> कैसे बताऊं मेरे लिए तुम कौन हो कैसे बताऊं तुम धड़कनों का गीत हो जीवन का संगीत हो तुम जिंदगी तुम बंदगी तुम ताजगी तुम रोशनी तुम हर खुशी तुम प्यार हो तुम प्रीत हो मनमीत हो आंखों में तुम यादों में तुम बाहों में तुम आहो में तुम तुम हो मेरे दिन रात में तुम हो मेरे दिन रात में मेरे लिए पाना भी तुम मेरे लिए खोना भी तुम मेरे हंसना भी तुम मेरे रोना भी तुम और जागना सोना भी जाऊं कहीं देखूं कहीं तुम हो वहां तुम हो मंजिल कैसे बताऊं तुम भी तो मैं कुछ भी नहीं कैसे बताऊं मेरे लिए तुम कौन हो कैसे बताऊं मेरे लिए धर्म भी तुम मेरे लिए कर्म भी तुम मेरे लिए सागर भी तुम मेरे लिए साही भी तुम मैं सोचता बस तुम हूं मैं जानता बस तुम हूं कैसे बताऊं तुम देवी हो मेरे लिए भगवान हो कैसे बताऊं मेरे लिए तुम कौन हो कैसे बताऊं थैंक यू थैंक यू सो मच मामा जी प्लीज वेलकम सारे सेंस मिला सुनी लाने वाले तो समाजन विवेक घमंड कितना स्ट्रगल करी कर ये तक पहुंचा हाँ इधर हरेक एक शख्स को हरेक अपने कला में खुद को कमी ना महसूस करते हुए हरेक बात का के जजेस का सुधा निर्णय स्वीकार करते हुए और आगे बढ़ने कहा धन्यवाद विवेक जी रामलीला ए राम भाई शांति रखो ना हम रजाड़ी अपनी औरतों की हिफाजत करना अच्छे से जानते हैं शक हो तो रिश्ता बना के देख लो आज से जीने की वजह भी सनेडा और मरने की वजह भी सनेड़ा थैंक यू एक मिनट रुके विशी अब यहां पर विवेक का बुके दे संदीप गागडे और संदीप भाट दोनों उसका सत्कार कर रहे हैं धन्यवाद यू वेरी मच आप स्वीकार कीजिए आणि मी निमंत्रित करणार आहे आता जजेस लोकांना कृपया आपलं इथं आगमन व्हायला पाहिजे आपण इथे या तुम्हाला विनंती आहे फार वेळ घेतलेला आहे तुमचा सर